हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलिंग कॉम्पिटिटिव एकेडमी। मु दीपक राउत आपण मानक स्वागत करुच्ची। तो आज आम जो गवर्नर जनरल रहिले बेंगल रे थिले 1757 नु 1833 जाए, तो से मानक उपर आम डिस्कशन करिबा। आपण यूपीएससी रो एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिबे कि ओडिशा सिविल सर्विस रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिबे, तो ता भितरे बहुत गुडे क्वेश्चन ए गवर्नर उपर आसी। तो मु सब गवर्नर जो 1950 जो 1757 नु स्टार्ट करिके 1947 जाय जते जन गवर्नर थिले आउ से मानकर कंट्रीब्यूशन कोन आउ प्रीवियस ईयर रे तांको उपर कोन क्वेश्चन आसी से सब गुडाक डिस्कशन करिवि। तो जो जा फलर कि जो एसएससी एग्जाम होची किंबा हमर जो ओपीएससी प्रीलिम एबे हबो एएसओ एग्जाम आसुची, एसएससी सीजीएल एग्जाम अच्छी कि जो आरआरबी जो रेलवे एग्जाम रहिला, तो से जो जो क्वेश्चन गुड़ा आपण आराम से अटेंड करी परिवे। तो गोटे थर ये वीडियो देखले माने जेकोसी भी क्वेश्चन आसो आर भितर भी पड़ो, कारण मु मेन मेन इम्पोर्टाट पॉइंट ही कभर करी। तो चलतु स्टार्ट करवा। दिस इज अबाउट मी डीड माई माने एमटेक करी आई आई टी माड्रास रु ओडिशा सिविल सर्विस रा इंटरव्यू दे छी आ यूपीएससी मेन भी लिखी। तो प्लीज आउ मोर जो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, आ सब्सक्राइब करिया पई आपण जेतले वीडियो देखुछंती तळे गोटे जगह सब्सक्राइब लिखा जाय छी, मु एतरे माने जोडा तीर मारे के लिखा जाय छी। तो सेही सब्सक्राइब को गोटे थरा क्लिक कर दियंतु एवं ए बेल आइकन को गोटे थरा क्लिक कर दियंतु, जा फळर के आपण कोनोसी नुवा वीडियो अपलोड हेले आपण पाखकु नोटिफिकेशन जिबे एवं आपण देखिपरिबे। तो एबे आमे स्टार्ट करिबा। तो गवर्नर ऑफ बेंगल एक्चुअली जेतेबेले आपण जानिथिबे जेतेबेले ब्रिटिश माने आसीले प्रथमे आसीथिले से माने बिजनेस पर्पज रे, किंतु धीरे धीरे से मानकर साम्राज्य बढ़ई चलिले। आमर बैटल ऑफ प्लासी हेतिला 1757 रे आ बैटल ऑफ बक्सर हेतिला 1764। तो तापरे बैटल ऑफ बक्सर परे से माने कौन कले ना डायरेक्ट डिफरेंट एरिया को कैप्चर करिया को लागिले। कैप्चर माने डायरेक्ट से माने एडमिनिस्ट्रेशन कले। आगुरु माने से माने माने एते इंटरफेयर कर नथिले, किंतु 1764 परे बैटल ऑफ बक्सर परे से माने डायरेक्टली इंटरफेयर कले। तो सही अनुसार जे फास्ट जो गवर्नर कन्सेप्टा तो स्टार्ट हला कोठी ना बेंगल रे। तो बेंगल रे प्रथमे गवर्नर जो कन्सेप्ट स्टार्ट हला जितेले हमरो बैटल ऑफ बक्सर सल्ला पारे। तो ए फास्ट जे थिले गवर्नर ऑफ बेंगल सी हले किए ना रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव जे किले फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल आउ सी होछन्दि जे फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एम्पायर। तो सी आगे माने जने साधारण सैनिक हिसाब से आसते, किंतु माने तांकर जो टैलेंट आ से मानकर जो सी जो बैटल ऑफ बक्सर आ बैटल ऑफ प्लासी रे ब्रिटिश मान को जितेथिले, तो सेथिपई डायरेक्टली तांकु मिलिटरी हेड करा गला आ सी हेले फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सही जो तांकर टाइम रे कौन हेतला मु कहली जे बैटल ऑफ बक्सर हेतला 1764 रे। एही बैटल ऑफ बक्सर परे ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द डायरेक्टली गेट द राइट्स टू कलेक्ट द रेवेन्यू एट बेंगल बिहार आउ ओडिशा अंडर ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। 1764 रे हमरो बैटल ऑफ बक्सर हला, 1765 रे हमरो ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद हला। एही ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद रे ब्रिटिश माने डायरेक्टली तांकर पावर पाइले कि माने रेवेन्यू कलेक्शन करिया पेन जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन करथले को कोरिया रा ना बिहार बेंगल आउ ओडिशा रा टोटल पैसा आसीगला तांका हाथ को रेवेन्यू कलेक्शन पावर, जहाँ फल कि सी कौन करें ना तांकर एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक रे चल पारे। फास्ट कथा हला। सेकेंड कथा हला जे जे बेंगल रे जो डुआल एडमिनिस्ट्रेशन होता। डुआल एडमिनिस्ट्रेशन माने कौन जो आप हिस्ट्री पढ़े से जानपरेंगे जे ये रॉबर्ट क्लाइव कौन करते ना माने तांकर तो दीवानी जो कलेक्शन टाइम हाथ में रहा ब्रिटिश मान हाथ में। सेकेंड है जे से आमर जो नवाब रही नवाब कोर्ट रे जने ब्रिटिश रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट करते आ ब्रिटिश रेसिडेंट कौन होता ना से कोर्ट रो कौन सी क्षेत्र रे जो इंटरफियर करिवे नहीं, किंतु विदाउट तांग परमिशन रे कौन सी डिसीजन निया जाय परिबनी। तो फास्ट कथा हला जे ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद जो थे कि रेवेन्यू राइट
फॉर ओडिशा बेंगल बिहार होइतला सेकंड डुअल एडमिनिस्ट्रेशन इन बेंगल स्टार्ट करथिले से आउ तांको समय रे हमर होइतला बैटल ऑफ प्लासी 1757 रे आउ 1764 रे बैटल ऑफ बक्सर एती कथा तांको विषय मन राखिबो कोनोसी पॉइंट तांको ऊपर पडिबो त से होसनी फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल नॉट गवर्नर जनरल ओनली गवर्नर ऑफ बेंगल नेक्स्ट त तापर आसिला हमर वारेन हास्टिंग्स 1772 रु 1785 जाय से इंडिया रे थिले हला त से होछंती फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल तेनु जे एक्चुअली कोन हला ना सेते बेले तीनटा प्रोविंस थिला ब्रिटिश मानकर मेन मेन तीनटा जागा थिला गोटेला बेंगल गोटेला हमर मद्रास आ गोटेला बॉम्बे त तीनटा जक र जो माने हेड थिले तांकू गवर्नर गवर्नर कहला गवर्नर ऑफ जो बेंगल गवर्नर ऑफ मद्रास गवर्नर ऑफ बॉम्बे कहला किंतु 1773 रे गोटे आक्ट आसला जा ना होची रेगुलेटिंग आक्ट से रेगुलेटिंग आक्ट रे कौन कराला कुहा गला जे जीए गवर्नर ऑफ बेंगल हेथिबो ताकू गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कहबो आ तार पावर गवर्नर ऑफ मद्रास आ बॉम्बे थारू अधिक हबो तो से अनुसार आमर जो वारेन हास्टिंग्स सेते बेले गवर्नर ऑफ बेंगल थिले 1774 रे माने 72 73 74 एमिति थिले तो सेही समय जेतेले आमर रेगुलेटिंग एक्ट आसला सेही एक्ट अनुसार से एक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल एटा परीक्षा रे बहुत थर पड़ी छ माने रखिबो जे बेंगल रो फर्स्ट गवर्नर जनरल किए वारेन हास्टिंग्स मन रहिला तापरे से जो आम कहल पूर्व वर्तमान कहती रॉबर्ट क्लाइव जो डुआल सिस्टम रखी थे मैंने राजा कोर्टे जड़े ब्रिटिश लोक रोला राजा हाथ में किसी पावर रो ना इनडायरेक्टली पावर सब ब्रिटिश मान हाथ में रोला तो सी जो डुआल सिस्टमटा था सीए कौन कले सेटा को आबोलीश करदे वारेन हास्टिंग्स सेटा आबोलीश करदे आउ गोटे रेगुलेटिंग आक्ट समय होता रेगुलेटिंग आक्ट अनुसार कौन मानने कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया रे केमिति को रूल्स आउ रेगुलेशन करिबो केमिति चालिबो ता उपरे गोटे आर्ट कराइला कि जहाँ भी एठी से करुची से सब ब्रिटिश पार्लियामेंट को जणैया को पड़िबो तार ता अकाउंट्स तार सब जतक बिजनेस होउची सब गुडा कोन करा हबो ना ब्रिटिश क्राउन को जणैबो किए ना ईस्ट इंडिया कंपनी अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग आक्ट तो रेगुलेटिंग आक्ट से समय होता सीए होती फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल आउ सीए होछंती जे प्रथम गवर्नर जनरल जे कि इंपीचमेंट हेतिले द ओनली गवर्नर जनरल एग्नेस्ट हिम इंपीचमेंट प्रोसेस प्रोसीडिंग वेयर इनिशिएटेड इन इंग्लैंड इंपीचमेंट माने कोनो अमर जें माने कोनोसी जो प्रेसिडेंट हो कि जज हो सेमानकु इंपीचमेंट माने ऑफिस रु बाहर करा जाउची तो ये होछंती प्रथम द ओनली गवर्नर जनरल प्रथम में जेते जण गवर्नर जनरल आछंती ये होचन द ओनली गवर्नर जनरल एग्नेस्ट हिम इंपीचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्टेड इन इंग्लैंड हिज पीरियड इज कॉल्ड एज ट्रायल एंड एरर से सब जिनस ट्रायल करूला आ भूल बिहेव होता केतोडे तो हिज पीरियड इज कॉल्ड एज ट्रायल एंड एरर हला आबोलिश डुअल सिस्टम इन बेंगल आउ अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हमर ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेट अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी र सब जिनस से मैंने ब्रिटिश क्राउन सहित सेयार करते आउ कौन करते सीए अपॉइंटेड द कलेक्टर टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड लुक इनटू द जुडिशियल अफेयर्स तो जो एबे जो कलेक्टर मानकर आम कहे से कलेक्टर कलेक्टर काम कौन थी ना से कलेक्ट द रेवेन्यू ओनली आउ जुडिशियल जो मैंने कौन सी गंडगोल है सेटा भी बुझुला आ रेवेन्यू कलेक्शन करते तो सीए फास्ट जो कलेक्टर अपॉइंटमेंट कन्सेप्टा आमर वारेन हास्टिंग्स दे मन रहा तापर आमर कौन कराला ना आमर 1773 रे जो आमर रेगुलेटिंग आक्ट है से अनुसार आमर दीटा कोर्ट है गोटे सिविल कोर्ट आ गोटे क्रिमिनाल कोर्ट है इन ईच डिस्ट्रिक्ट आ गोटे कौन कराला ना सुप्रीम कोर्ट कालकाटा फास्ट टाइम पर 1774 रे एस्टाब्लीश कराला मोर परीक्षा पड़ी था ओएसर प्रिलिम रे मन रखे सुप्रीम कोर्ट फास्ट के एस्टाब्लीश होता 1774 रे आमर कोलकाता रे हला आउ तांको समय रे पीट एक्ट भी होता पीट एक्ट 1784 रे
पीट एक्ट होता सही अनुसार कौन है ना रेगुलेशन रेगुलेटिंग एक्ट जो जो प्रॉब्लम गुड़ा था रेगुलेटिंग एक्ट गोटे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सब जिनसा को डिसाइड करते तो से आमर जो पीट एक्ट आसला 1784 से आम कौन है ना दुईटा जिनस आसला गोटे बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दुईटा है ला। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये जो पीट एक्ट है सी कौन कला टू कंट्रोल एस्टाब्लीश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन टू सुपरवाइज द कंपनी अफेयर इन इंडिया आउ ये कराला जे मैंने आमर जो बॉम्बे आउ मद्रास प्रेसिडेंसी जो गुड़ा थिला अंडर गवर्नर जनरल मुझे ना जी गवर्नर ऑफ बंगाल थी सी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हम ता अंडर रे मद्रास आउ बॉम्बे गवर्नर मैंने ताको रिपोर्टिंग करेंगे तो वारेन हेस्टिंग्स पावर अधिक हो गला बॉम्बे आउ मद्रास गवर्नर टू तेणु से मितर भल पड़े तो भल पड़े मैंने से मैंने समस्ते सेम रैंक रे थिले ऑटोमेटिक जन को जदि हायर रैंक को प्रमोट करा जीवो अन्य माने जेहे माने इजिली एक्सेप्ट करें तो आउ कौन करथिले सी मुं कहली सुप्रीम कोर्ट जो कालकाटा करथिले 1764 रे एजुकेशन पाई मन रखे एजुकेशन क्षेत्र रे वारेन हेस्टिंग्स कौन करथिले सी एस्टाब्लिश द कालकाटा मद्रासा द फास्ट एजुकेशन इंस्टिट्यूट बाय द कंपनी इन 1781 तो 1781 रे आमर कालकाटा रे मद्रासा मद्रासा होजी कौन ना फॉर प्रमोशन ऑफ इस्लामिक स्टडी इवन इफ आज भी आमर अच्छी मद्रासा मद्रासा माने कौन जो स्कूल गुड़ाक आमर इस्लाम रो जो स्टडी करा जाए तो सेटा होजी मद्रासा हला तो सी फास्ट आमर मद्रासा स्कूल खोली थिले कोठी ना कालकाटा रे सेकेंड कथा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल्स बंगाल विथ विलियम जोन्स इरा परीक्षा पड़ा आएस पड़ा ओएस पड़ा एएसओ भी पड़ा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किए करते विलियम जोन्स कौन पे सके करते 1784 ईच एंड एव्री फैक्ट वाज इंपोर्टेंट मन रखे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंडेड बाय विलियम जोन्स टू अंडरस्टैंड द इंडियन कल्चर आउ कौन होता ना फास्ट माने इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता तो फास्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता किए करते ना विलियम जोन्स ना कौन विलियम जोन्स आउ प्रेस क्षेत्र में कौन होता ना पब्लिकेशन ऑफ द फास्ट इंडियन न्यूज पेपर बंगाल गैजेट तो इंडिया रा जो फास्ट न्यूज पेपर से बाहर था ता ना कौन बंगाल गैजेट है समय कौन कौन होता ना फास्ट आंग्लो मराठा वार 1775-82 जाए चली एंडेड इन फेवर ऑफ द ब्रिटिश बाय ट्रीटी ऑफ सालबाई तो ट्रीटी ऑफ सालबाई का भितर होता ब्रिटिश आउ मराठा भितर तो ये आमर वारेन हेस्टिंग्स तेणुतापर मुझे समरी कह सी कौन है वारेन हेस्टिंग्स फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है तो तांको समय आमर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 स्टार्ट होता पीट एक्ट 1784 स्टार्ट होता सीए आमर सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लीश करें 1774 रे कोठी ना कालकाटा रे हला सीए हूँ प्रथमे जे कि कालकाटा रे मद्रासा स्कूल खोली थिले इस्लामिक स्टडी पे और तांको समय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सी मैंने फाउंडेशन मैंने मैंने एस्टाब्लीश करते क्या सागर मिसिकी ना विलियम जोन्स सागर आई विलियम जोन्स मैंने टू अंडरस्टैंड द इंडियन कल्चर आउे स्टडी करके सी फास्ट जे कि आमर भगवत गीता को इंग्लीश को ट्रांसलेसन करते आय फास्ट न्यूज पेपर बंगाल गैजेट बाहर था फास्ट आंग्लो मराठा वार भी होता तो ये गले आमर वारेन हेस्टिंग्स आसे किए लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहुए फादर ऑफ पुलिस रिफॉर्म पढ़ी परीक्षा आम इंडिया रे पुलिस रिफॉर्म किए करते इंडिया रे जो पुलिस रिफॉर्म करते तो सी होती लॉर्ड कॉर्नवालिस द मोस्ट सक्सेसफुल लॉर्ड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म द फास्ट टू कोडिफाए द हिंदू लॉज मुस्लिम लॉ जो आम आज देखु आईपीसी जो धारा सबू तो सी सब हिंदू कोडिफिकेशन ऑफ हिंदू लॉज किए करते ए लॉर्ड कॉर्नवालिस तो से आउ पुलिस भी रिफॉर्म सी करते तेणु तांकु आमर फादर ऑफ पुलिस रिफॉर्म भी कहा जाए सी आमर हिंदू आ मुस्लिम लॉ गुड़ा कोडिफाई करते
आउ कौन करते सीए आप जो जानते आम गोटे जमीदारी सिस्टम अच्छी जार अन्य नाम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जोटा कि आमर बेंगल बिहार और ओडिशा रहितला सेही जमीदारी सिस्टम अनुसार जमीदार माने माने जमीर मेन थिले आउ से माने गोटे परमानेंट अमाउंट रो टैक्स नहीं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दौले जी टैक्स कलेक्शन करुले तार 89% दौले ब्रिटिश मान को 11% रखुले निज पाखे से पड़ा लास्ट टाइम केते परसेंट से माने ईस्ट इंडिया कंपनी को दौले टोटल रेवेन्यू कलेक्शन 89% दौले 11% जमीदार मैंने निज पाखे रोते तेणु ये जो जमीदारी सिस्टम आउ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कहा समय स्टार्ट होता आ कौटी स्टार्ट होता मन रख तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से स्टार्ट करते 1793 ओडिशा बेंगल बिहार रे स्टार्ट करते फादर ऑफ पुलिस रिफॉर्म भी कहा जाए आउ कौन करते एडमिनिस्ट्रेशन ने ना सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एंड जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन अंडर कॉर्नवालिस कोड 1793 एंड डिप्राइव द कलेक्टर ऑफ द जुडिशियल फंक्शन 2015 गोटे क्वेश्चन आसला जे कलेक्टर मान हाथ कहीं जुडिशियल फंक्शन टा न्याय न्याय हो गला आ केवल रेवेन्यू मुझे जो वारेन हास्टिंग्स रे कौन पढ़े जे कलेक्टर मानकर काम कौन ना से माने जज हिसाब से भी काम करुले जुडिशियल हिसाब रो केस गुड़ाक भी हैंडल करुले रेवेन्यू कलेक्शन भी करुले किंतु ये लॉर्ड कॉर्नवालिस आसिले से जो जुडिशियल पावर टा थिला कलेक्टर मानकर सेटा को नहीं गले केवल कलेक्टर माने कौन करिवे ना रेवेन्यू टा को कलेक्शन करिवे कलेक्शन करके ऑफिस को देबे तो ये जुडिशियल पावर तक हाथ निला कौन पाई ना लॉर्ड कॉर्नवालिस भावुले जे एत्ते गुडे पावर गोटे लोक हाथ रहिले तो किसी प्रोब्लेम हो तो से सीए कलेक्टर मान हाथ जुडिशियल फंक्शन टा को नहीं गले केवल से मेरे रेवेन्यू पावर टा केवल रहा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आउ कौन कौन करते ना जुडिशियरी क्षेत्र में से सेटअप फोर अपीलेट कोर्ट अपिलेट कोर्ट कौटी कौटी करते ना कालकाटा ढाका मुर्शिदाबाद पटना आमर जो हिंदू कोड ऑफ पर्सनल लॉज आ मुस्लिम लॉज से भी कोडिफाई करते आउ कौन कौन रिफॉर्म करते पुलिस आउ सिविल सर्विस परीक्षा पड़ी जे इंडिया रे सिविल सर्विस प्रथमे किए स्टार्ट करते तो इंडिया रे सिविल सर्विस जो एग्जामिनेशन हो तो सहीटा आमर लॉर्ड कॉर्नवालिस स्टार्ट करते तो इंट्रोडक्शन टू सिविल सर्विस इन इंडिया इन 1793 टू चेक द करप्शन एंड पुलिस रिफॉर्म टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर अपॉइंटमेंट दारोगा आर थानाज एंड एसपी आर द डिस्ट्रिक्ट हेड तो यही सब पुलिस और सिविल सर्विस केस रे सी रिफॉर्म करते तो सिविल सर्विस इंट्रोड्यूस करते मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर पर पुलिस रिफॉर्म करते मानने पुलिस थाना रे दारोगा अपॉइंटमेंट करते जहाँफल कि लॉ एंड ऑर्डर टा ठीक रहीबो कौन तक टाइम रे कौन है ना थर्ड आंग्लो मैसूर वार तुम जानी जे ब्रिटिश आउ मैसूर जो थिले आमर हैदर अली थिले किंग ता तलू पुओ टीपू सुल्तान तो सी थिले तो थर्ड आंग्लो मैसूर वार होता जो थे कि टीपू सुल्तान हारीगले अधा स्टेट तक दवा पड़ा आउ ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होता तो जो थर्ड आंग्लो मैसूर वार 1790-92 एंडेड विथ इन द फेवर ऑफ ब्रिटिश बाय ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम मन रखिए ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम क्या क्या भितर लॉर्ड कॉर्नवालिस आउ टीपू सुल्तान भितर होता सो यहाँ हूँ आमर कौन ना आमर गले लॉर्ड कॉर्नवालिस आसिले कौन ना सार जॉन सोरे तो सीए कौन करते आम जो चार्टर एक्ट स्टार्ट होता द फेमस फॉर हिज पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर एक्ट 1793 तो यहाँ से स्टार्ट करते आसे आमर किए ना लॉर्ड वेलसली 1798-1805 लॉर्ड वेलसली जहाँ को किए फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया यदि फादर ऑफ पुलिस रिफॉर्म पड़ो किए आमर लॉर्ड कॉर्नवालिस यदि फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया किए ना लॉर्ड आर्थर वेलसली फुल नाम हूँ लॉर्ड आर्थर वेलसली आ वेलसली गोटे इम्पोर्टेंट ट्रिटी करते मैंने गोटे जो कॉन्सेप्ट बाहर करते ना कौन ना पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस
ତ ଏଇ ପଲିସି ଅଫ୍ ସବସିଡାରି ଆଲିଆନ୍ସରେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା, ବ୍ରିଟିଶମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ୱିଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ଦ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟୁ ୟର୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ମାନେ ତୁମ ଷ୍ଟେଟ୍ର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମର, ମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବ ଆମର ଆର୍ମି, ବାହାରୁ କେହି ବି ଆଟାକ୍ କଲେ ଆମ ଆର୍ମି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାହେବ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ସୋଲଜର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ମିର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସେମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ, ରହିବା ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ଦେବ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବ। ଯଦି ନ ଦେଇପାରିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ସେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେତିକି ଡିସାଇଡ଼୍ ହୋଇଥିବ ନ ଦେଇପାରିଲା, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ କିଛି ପୋର୍ସନ୍ ସେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ସେଇଠୁ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ସେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପଲିସି ଅଫ୍ ଦ ସବସିଡାରି ଆଲିଆନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ କିଏ କରିଥିଲେ କେଉଁ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ତ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଲର୍ଡ଼ ୱେଲସେଲି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ କିଏ ଯିଏକି ସବସିଡାରି ଆଲିଆନ୍ସ ଜଏନ୍ କରିଥିଲା, ସିଏ ହେଉଛି ନିଜାମ ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ 1798 ଆମର 2017 କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖିବ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସବସିଡାରି ଆଲିଆନ୍ସ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲା 2017 ଓଏସ୍ର ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ତାପରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫଲୋଡ଼୍ ବାଏ ତାଞ୍ଜୋର, ତାପରେ ଆୱଧ, ତାପରେ ଗ୍ୱାଲିୟର, ଇନ୍ଦୋର, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଇ ସବସିଡାରି ଆଲିଆନ୍ସ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ମାଡ୍ରାସ୍ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଇନ୍ 1801। ତାପରେ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ କଲେଜ ଆଟ୍ କାଲକାଟା ଟୁ ଟ୍ରେନ୍ ଦ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଫର୍ ବେଟର୍ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ଇନ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ କଲେଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାହେଲା, ତ ଟୁ ଟ୍ରେନ୍ କ'ଣ କରାହେବ ନା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ଆଜି ଯେମିତି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି ମସୁରୀରେ, ସେମିତି ତାଙ୍କ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ କଲେଜ ଯେଉଁଟା କାଲକାଟାରେ ଥିଲା ସେଠି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ସେ ପ୍ରେସ୍ ଉପରେ ସେନ୍ସରସିପ୍ ଲଗାଇଥିଲେ, ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର୍ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସମୟରେ ୱେଲସେଲିଙ୍କ ସମୟରେ। ତାପରେ ଲର୍ଡ଼ ମିଣ୍ଟୋ, ଲର୍ଡ଼ ମିଣ୍ଟୋ ଆମର 1807 1813 ଆସିଲେ। ତ ସେ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1813 ଆମର କ'ଣ କରାହେଲା ନା, ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ମନୋପୋଲି ଥିଲା, ମାନେ କ'ଣ କେବଳ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ହିଁ ମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଆଉ କେହି କରିପାରିବେନି, କରିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 1813 କ'ଣ କରାହେଲା ନା, ମନୋପୋଲି ଅଫ୍ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଟୁ ଟ୍ରେଡ୍ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତ ସେଇଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରାହେଇଗଲା, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ଟ୍ରେଡ୍ ଇନ୍ ଟି ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ ୱିଥ୍ ଚାଇନା। ତ ଚାଇନା ଆଉ ଟି ଉପରେ କେବଳ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ମନୋପୋଲି ରହିବ, ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ମନୋପୋଲି ରହିବନି। ମନୋପୋଲି ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ୟୁରୋପିଆନ୍ର କୌଣସି ଲୋକ ଆସିକି ବି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବ, କେବଳ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ। 1813 ସେଇ ମନୋପୋଲିଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦିଆଗଲା, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଟି ଆଣ୍ଡ ଚାଇନା, ମାନେ ଚାଇନା ଆଉ ଟିର ବିଜନେସ୍ ଉପରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ମନୋପୋଲି ରହିବ, ହେଲା। ତାପରେ ଆମର 1809 ଆମର ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ସାଙ୍ଗରେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଶିଖ୍ ରିଲେସନ୍ ଦିଏ, ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁଟା କୁହାହେଉଛି ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରିଥିଲେ, ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଅମୃତସର ଆଉ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ 1809। 2015 ୱେସ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖିବ ଯେ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଆମର ଲର୍ଡ଼ ମିଣ୍ଟୋ ଆଉ ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଟ୍ରିଟି ହୋଇଥିଲା କେବେ ହୋଇଥିଲା, 1809। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବ, ଏବେ ମସିହା ବି ପକାଇଦେବ, ତେଣୁ 1809 ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଅମୃତସର, ତା ନାମ ନା ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଲା ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବି ହେଲା। ତ ଏଇ ହେଲା ଆମର ଥିଲେ ଆମର କିଏ ନା, ଆମର ଲର୍ଡ଼ ମିଣ୍ଟୋ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିବେ କିଏ ନା, ଲର୍ଡ଼ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ 1813 1823। ଏ ଲର୍ଡ଼ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ନା, ହି ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର ଟୁ ଆପଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁ ଏ ହାଇଏଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଲାଇକ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମୁନସିଫ୍ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ସିଏ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନା, ରିପ୍ଲେସ୍ ଦ ପଲିସି ଅଫ୍ ନନ୍ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼୍ ବାଇ ସାର୍ ଜନ୍ ସୋରେ ୱିଥ୍ ଇମ୍ପେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ପଲିସି ଅଫ୍ ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ଆନେକ୍ସଡ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେରିଟୋରି ଏକ୍ସେପ୍ଟ ପଞ୍ଜାବ ଆଣ୍ଡ ସିନ୍ଧ ବାଇ 1818। ତାପରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଆଲାଉଡ଼୍ ଦ ପେଶୁଆ ସିଫ୍ ଆବୋଲିସ୍ ଦ ପେଶୁଆ ସିଫ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଏସନ୍ ବମ୍ବେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଇନ୍ 1818। ତ ଯେଉଁ ପେଶୁଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପେଶୁଆମାନେ ଥିଲେ ଆମର ମରାଠାରେ, ସେଇଟାକୁ ଆବୋଲିସ୍ କରିକି ବମ୍ବେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କ୍ରିଏସନ୍ କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦ ରୟତରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇନ୍ ମାଡ୍ରାସ୍, ମହାଲବାରୀ ଇନ୍ ବମ୍ବାଇ ଆଣ୍ଡ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ। ତ
मने पड़ जदि परीक्षा पड़ब रयतवारी आ महालवारी समय किए गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स तो आम जानवे रयतवारी कौन होता ना डायरेक्ट जो मैंने फार्मर थे से मैंने डायरेक्ट जो तर टैक्स दौले क्या ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दौले इंटर जो जमीदार मैंने आगे जमीदारी सिस्टम रे जमीदार मैंने मीडिएटर थे से मैंने फार्मर मानु टैक्स कलेक्शन करुले ईस्ट इंडिया कंपनी को दौले कि रयतवारी से जो जमीदार जो इंटरमीडिएटर थी से रही डायरेक्ट पिजांट जी फार्मर जी निजे चाष करुच्ची जहाँ प्रडक्शन है तार कि पर्सन से ईस्ट इंडिया कंपनी को दब आ जमी उपरे तार अधिकार रहिबो महलवारी सिस्टम रे कौन महल मैंने गोटे गाँर को गोटे महल कहला तो से गाँर समस्त जो जी टैक्स है कलेक्शन किए कर ना गाँर मुखिया तो से महलवारी सिस्टम रे केतटा गाँर रेवेन्यू कलेक्शन से गाँर मुखिया को दिजिव आ गाँर मुखिया रेवेन्यू कलेक्शन करमर दब क्या ना ईस्ट इंडिया कंपनी को महलवारी सिस्टम रे रयतवारीटा आम मद्रास एरिया इंट्रोड्यूस होता महलवारी सिस्टम टाइम बॉम्बे आउ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस रे स्टार्ट होता है तापर आमर जो प्रेस बीस ये सेंसरशिप कर लॉर्ड हास्टिंग तो फास्ट वर्नाकुलर जो न्यूज पेपर स्टार्ट होता ता ना हूँ कौन ना समाचार पत्रिका तो फास्ट जदि वर्नाकुलर हम किए समाचार पत्रिका होता तापर आंग्लो नेपाल वार होता आउ इट इज एंड विथ ट्रीटी ऑफ सागुलाई सागुली एस्टाब्लीश द बाउंड्री बाउंड्री लाइन विथ नेपाल हला तापरे आमर जो लॉर्ड आर्मेस्ट हेले 1823 रु 1828 तो समय आमर विटनेस द मिटनी एट बाराकपुर 1824 रे फास्ट आंग्लो बर्मीज वार भी होता एंडेड विथ पीस एंडेड विथ ए पीस ट्रीटी ऑफ यांदबू तो यांदबू जो पीस ट्रीटी होता आफ्टर आंग्लो बर्मीज वार ये परीक्षा पड़ी आएस रापे लास्ट लास्ट पॉइंट कौन है ना आमर एमती है कि 1833 आमर गोटे चार्टर आक्ट आसला से कौन कराला ना जी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहला तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहला तो से ही अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिक हेले फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कारण से गवर्नर ऑफ बंगाल थे तो अंडर चार्टर आक्ट 1833 विलियम बेंटिक बिकम द फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जदि पढ़ लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किंबा फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सी हेले कि लॉर्ड विलियम बेंटिक तो यही आम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1757 रु 1833 पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रही से मैंने कौन हो गले ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गले फॉर होल इंडिया जो मैंने ब्रिटिश जो एरिया जितक रहा तो यही रहा सो तेणु प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दिस वीडियोज आउ प्लीज राइट सम कमेंट एंड review in the below video and please subscribe this one so that it can mane mote motivate kariba to create new videos for you people thank you guys have a great day thanks for watching this video